बड़ा बदलाव जो कि शायद आपको IRCTC के लिए अभी के आप जब टिकट बुक करते हैं रेल यात्रा के लिए तो आपको शायद ये विकल्प देखने को मिले, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है वो तो आपने समझ ली है, लेकिन क्लेम का क्या प्रोसेस होगा और किस तरह से क्लेम आने पर उसे आपको कंपनी के पास जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जो आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मुहैया करा रही हैं इस बीमा के ज़रिए उन तक आपको पहुँचना होगा। इस पूरे मामले को समझते हैं और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम अब देंगे। हमारे साथ हेमंत उस्तगी CEO वाइस इन्वेस्ट और अमोल जोशी फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो हेमंत जी, एक बहुत ही बढ़िया कदम जो कि मेरे ख्याल से मैं कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी क्लियरली हाईलाइट किया कि बहुत सारे लोग शायद वो पॉइंट मिस कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये एक फिजूल खर्ची है, और अगर जो इस तरह का बीमा लेते भी हैं वो शायद पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं, नॉमिनी जो कि बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है आपके किसी भी इंश्योरेंस या इनफैक्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो नहीं भर पाते हैं। तो इसे इस कवरेज को फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत जी आप कैसे देखते हैं, और दूसरा एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि क्लेम का क्या प्रोसेस होगा? देखिए कविता, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और हम सभी जानते हैं कि यू नो किस तरह के रिस्क है जब हम ट्रैवल करते हैं, तो इतने कम रकम में बहुत ही मतलब मिनिमल पैसा देके अगर आपको इतना अच्छा कवर मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा। और ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी बार क्या होता है, एक फैसिलिटी है लेकिन उसको ऑप्ट कैसे करना है, काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते, तो आई थिंक जो डिफॉल्ट ऑप्शन किया मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि जो नॉमिनीज के जो नाम है अगर वो वहीं पे IRCTC की अगर वो जो वेबसाइट अगर वहीं पे उनको दे सकें तो मुझे लगता है वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि क्या होता है देखिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फेमिलियर नहीं होते हैं प्रोसेस के अंदर, मतलब अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके हर जगह पे आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी है, लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आप फेमिलियर नहीं हैं कि आपको पता है कि पॉलिसी आने के बाद आपको ये भरना है, तो इतना अच्छा कदम होने के बाद ऑप्ट करने के बाद भी अगर आप अगर कुछ होता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और अगर उसको वो क्लेम नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही यू नो ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे लगता है ये कदम बहुत ही अच्छा है, और इससे ऑब्वियसली यू नो हम कोई भी क्लेम हो, कोई भी जब हमें इंश्योरेंस मिलता है तो कोई नहीं चाहता कि उसका हमें क्लेम मिले, लेकिन ये होता है कि कोई इमरजेंसी हो या ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए अनफॉर्चुनेट, तो फिर एटलीस्ट जो आपके ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती। और जहाँ तक आई थिंक मैंने पूरी तरीके से इसको स्टडी नहीं किया, बट इतना बोल सकता हूँ कि ब्रॉडली मुझे लगता नहीं दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, देखिए एक तो क्लेम जो नॉर्मल क्लेम से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ऐसे इंस्टेंसेज में हमने वैसे भी देखा है कि सरकार जो है हमेशा इंश्योरेंस कंपनीज को बोलती है कि जितना जल्दी हो सके उन क्लेम को आप जल्दी सेटल कीजिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो सेटल होगा। ऑलराइट, साथ ही अमोल मुझे ये बताएं कि इसके अलावा, ये तो खैर आप जब अपनी टिकट बुक कर रहे होंगे तब आपको एक विकल्प दिया जाएगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो आप क्या ज़रूरी हो गया है कि आप अपने लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर या एक ट्रैवल इंश्योरेंस अपने लिए ज़रूर ही खरीदें? जी कविता, मैं ट्रैवल इंश्योरेंस ज्यादातर ये प्रोडक्ट जो होता है वो ओवरसीज ट्रैवल के लिए माना जाता है, ये डोमेस्टिक ट्रैवल के आपके ज्यादातर काम नहीं आएगा, लेकिन पर्सनल इंश्योरेंस आपने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपने बहुत ही सही कहा है। टिपिकली ऐसा देखा जाता है लोग कई बार मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस को भी काफी बार इग्नोर किया जाता है, तो हम ये रेल दुर्घटना या रेल आपकी जर्नी के अलावा हम बात कर रहे हैं। आपको वैसे भी आपके लाइफ में अगर, और ज्यादा से ज्यादा ये देखा गया है कि अगर किसी का कॉर्पोरेट कंपनी का दिया हुआ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर ऐसा कोई कवर आपके पास है तो लोग उसकी बिना जांच किए, अगर कंपनी का कवर 2 लाख रुपए है और आपकी जरूरत, अगर आप मेट्रो में रहते हैं तो शायद आपको उस हिसाब से अस्पताल का जो आपका खर्चा हो सकता है उस हिसाब से शायद आपको 5 लाख की जरूरत पड़ सकती है, तो ये कवर भी काफी जगह पे हमने पाया है, देखा गया है कि इग्नोर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है तो आप टर्म प्लान लीजिए, ये हम एक जनरल तौर की बात मैं बता रहा हूं। दूसरा मैं कहूंगा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम होना जरूरी है, और ये होने के बाद में आप पर्सनल एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस ऐसे कवर्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर अभी सीमित अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेडिक्लेम, रेल जर्नी के अलावा भी आपके पास अपना खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम जरूर होना चाहिए।
राइट, तो तमाम रेल यात्रियों के लिए ज़रूरी खबर कि अब जो है आप अपने लिए बीमा जब आप लेते हैं, जब आप टिकट बुक कराने चाहते हैं, तो पहले भी आपके पास ये विकल्प था, हालांकि अब इस विकल्प में अगर आपको ये बीमा नहीं चाहिए, अगर आपको ये पर्सनल एक्सीडेंट का कवर नहीं चाहिए, तो आपको नो के विकल्प का चुनाव करना होगा, क्योंकि अब जो है बाई डिफ़ॉल्ट आपको ये कवर दिया जाएगा और केवल 35 पैसे में आपको ये सुरक्षा कवच मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को अब शो में शामिल करते हैं। मंदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार मंदार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऑल राइट, ओके। आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 फंड्स जोड़े हुए हैं, कब से कर रहे हैं आप इसमें इन्वेस्टमेंट? अराउंड 3 से 4 साल हो गए। और कितने साल तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? कुल मिला के कितने की SIP है ये? टोटल हाँ, टोटल SIP का अमाउंट कितना है? टोटल SIP का अमाउंट अराउंड 45,000 है। और कितने साल तक करेंगे आप इसमें इन्वेस्टमेंट? 8 to 10 years। क्यों कर रहे हैं आप इसमें इन्वेस्टमेंट? So basically wealth creation or for my retirement planning. और retirement के लिए कितने साल हैं? Right now I'm 43, so around 15 years. 15 साल। और retirement के लिए कितना corpus आपको फिर चाहिए होगा? I have not thought of it actually. चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि कैसे इस लक्ष्य के लिए आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हेमंत जी, 10 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 3 से 4 साल कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट है 45,000 का, लेकिन रेपिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ पर कैसे निकले, इसको कैसे कंसोलिडेट करें? देखिए कविता, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 10 फंड्स हैं, तो काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं कि किस हालात में हम कह सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप ओवरऑल पोर्टफोलियो के नंबर ऑफ फंड से ना जाएं, बल्कि जो गोल बेस्ड आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, वहाँ पे हर गोल के लिए आप इंश्योर कीजिए आपके पास बहुत सारे फंडिंग है। अब इन्होंने जैसे कहा मंदार ने कि एक उनका गोल है वेल्थ क्रिएशन का, 10 साल का इनके पास और टाइम हराइजन है, उसमें अगर आपके पास 10 फंड है तो डेफिनेटली एक ऐसा केस है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। 2-3 चीज़ें करने की जरूरत है, थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर, जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो थोड़ा सा शायद एक्सपोजर मिड कैप में बढ़ाएंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं काफ़ी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है आपके पोर्टफोलियो का। तो कुछ एक फंड जहाँ पे मुझे लगता है कि इनको SIP कंसिडर करनी चाहिए रोकने के लिए, वो इसलिए नहीं है नेसेसरी कि वो फंड अच्छे नहीं है, बट क्योंकि हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं और रीअलाइनमेंट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट वाइज एलोकेशन, तो जैसे ABSL का जो फ्रंट लाइन फंड है वो PGIM मिड कैप फंड और US ICICI अप्रूव US ब्लू चिप फंड, इन तीन में मैं कहाँ एलोकेशन करना है वो बताता हूँ। इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटेक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक निपॉन फ्लेक्सी कैप फंड है जो रिलेटिवली काफ़ी नया फंड है। जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं हमने देखा है वहाँ पे काफ़ी हैवी बायस होता है लार्ज कैप में, तो मुझे लगता है कि ये दोनों में अगर आप थोड़ा बदलाव करें तो आपका जो रीअलाइनमेंट था इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट सेगमेंट वो हो जाएगा। तो कोटक फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, लेकिन कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो आपको मिड कैप में भी एक हेल्दी एक्सपोजर मिलेगा। निपॉन फ्लेक्सी कैप की जगह अगर आप निपॉन मल्टी कैप देखेंगे तो तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन वहां पे भी लार्ज कैप में थोड़ा बायस है, करीब 45% जो है एलोकेशन है। तो ये 2 चेंजेस और 3 फंड जो मैंने कहा था इनको वो जो बंद करेंगे, उसमें से 2 फंड का जो पैसा है 3,500 जो PGIM मिड कैप फंड है और ICICI US जो फंड जो है वो, उसका पैसा जो अगर आप निपॉन मल्टी कैप में अगर ऐड करेंगे तो वो सही रहेगा। ABSL जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6,000, उसको अगर आप एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जाएं तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में जिस तरह का रीअलाइनमेंट होना चाहिए वो हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 स्मॉल कैप फंड हैं, एक कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड है और एक आई थिंक एक्सेस है, तो उसमें से एक ही फंड रखिए आप एक्सेस स्मॉल कैप फंड, 2 फंड की जितने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। तो कुछ बदलाव, जैसा मैंने कहा, कंसोलिडेशन कीजिए और जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में वो थोड़ा सही होगा, तो देखेंगे कि आप पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है ओवर ए लॉन्गर पीरियड वो सुधर जाती है। मंदार, कोई सवाल आपको पूछना है? नहीं, आई थिंक आई गॉट द मैसेज, थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं, क्या मेरे साथ पटेल साहब फोन लाइन पर हैं? जी मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे बताइए, ये आपने ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है या आपको करनी है 10,000, 7,500 और 5,000 की जो आपने प्लान किया अपने लिए? ये मैम, मैंने एक सजेशन लिया है, मैंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके रखा, वो मैंने शेयर किया हुआ है आप। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी और SBI लार्ज एंड मिड कैप और HDFC मल्टी एसेट में। हेलो, आपके फंड्स के नाम आप बताएंगे कि उसकी डिटेल्स मेरे पास है नहीं शायद। आप फंड्स के नाम बताएंगे? SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके बाद HDFC मल्टी एसेट फंड। और इनमें आप कब से कर रहे हैं निवेश? इनपे मैं एक दो साल से कर रहा हूँ, किसी भी 2 साल, किसी भी 1 साल से 1 ईयर ऐसा कंप्लीट हो गया है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि मुझे सजेशन चाहिए। कितना कर रहे हैं? कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? 2,000, टोटल 6,000। तो ये 6,000 की SIP चल रही है? ये आपकी 22,500 रुपए की SIP नहीं चल रही है क्या 3 फंड में? ये जानकारी हमारे पास जो है उसमें तो 22,500 की आपकी SIP कहीं चल रही है। बहरहाल, जो आपने अभी मुझे डिटेल्स दी है, मेरे ख्याल से अमोल आपको ये कंसिडर करनी चाहिए। पटेल साहब, आप यहाँ हमें करेक्शन करना होगा। पटेल साहब बताइए मुझे, ये कब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस लिए कर रहे हैं? मुझे टारगेट है 1 CR के लिए, अप्रोक्स 10 to 12 years। और जैसे मेरी इनकम बढ़ती है तो उसे बढ़ाना भी है, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा 5,000-7,500 रुपये महीने से, 7,500 से। तो एक पोर्टफोलियो सजेशन चाहिए। ओके, ऑल राइट। अमोल, कविता, जैसा आपने कहा कि जो जानकारी हमारे पास है उस हिसाब से सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं क्विकली। संत पटेल जी, अगर आप 22,500 रुपए का, आपकी जो जानकारी हमारे पास है 5,000, 7,500 और 10,000 रुपए SIP पर मंथ या तो करना चाहते हैं या है जो भी है, 22,500 रुपए का SIP अगर आप 10 साल चलाते हैं जो कि आपका टारगेट होराइजन है, और ये SIP अगर आपको 12% CAGR 12% का अगर आपको सालाना रिटर्न देता है तो आपका कॉर्पस लगभग 50 लाख रुपए का इसमें से क्रिएट हो सकता है। अब आपने ये भी बताया है कि आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए का है, तो सिंपल सी बात है, या तो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए या तो आपका कंट्रीब्यूशन, आपका SIP अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 12% से काफी ज्यादा, ये 20 या 24% के आगे का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आपका 22,500 रुपए का SIP आपको 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये एक्सेसिव रिटर्न लेके चलना, ये बिल्कुल आपके फायदे में नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपना गोल नहीं मीट कर पाएंगे तो अल्टीमेटली 10 साल के बाद पता चलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। या तो अगर आप अभी 22,500 रुपए, तो 1 करोड़ जमा करने के लिए आपको शायद 45,000 रुपीज का SIP करना पड़ सकता है। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रखें, आप अपने एक्सपेक्टेशन को लगभग आधा यानी 50% से आपको टोन डाउन करना पड़ेगा। या तो तीसरी चीज है, आपने जैसा कहा कि मैं जैसे अपनी इनकम बढ़ेगी वैसे मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता जाऊंगा, तो अगर आप अपना SIP 8% 10% प्रति वर्ष अगर रकम बढ़ाते हैं तो भी आप 50 लाख रुपए से ज्यादा 62 या 62 या 65 लाख रुपए तक ही पहुंच पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप अपना एक्सपेक्टेशन रीसेट कीजिए एक बार, या तो आपको अपना लगभग 40-45,000 रुपए SIP आपको बढ़ाना पड़ेगा। और आप दूसरी चीज जो कही है आपने, आपको स्कीम के सजेशंस चाहिए, तो मेरे ख्याल से 10 साल काफी लंबी अवधि होती है, तो उस हिसाब से आपका, आपने जो 10,000 रुपीज का SIP चाहा है या प्रपोज किया है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में, और बाद में जो आपके 7,500 रुपए और 5,000 रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, इन 3 फंड का चयन अगर आप करें, रेगुलर SIP मेंटेन करें, और जैसे आपकी आय बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, उस हिसाब से आप बढ़े तो आप अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकते हैं।
और राइट, तो पटेल साहब आपको ये सलाह दी जा रही है, क्लियरली आपको अपनी SIP की राशि बढ़ानी है और फंड्स में ये बदलाव करने हैं और फिलहाल जितना मुमकिन हो सकता है उतनी ही क्षमता से आप अपने निवेश राशि को बढ़ाएं। और भी दर्शक के सवाल हम शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताइए आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? देखिए कविता, ये उन निवेशकों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपोजर है डिफरेंट सेगमेंट में वो बिल्कुल सही हो। काफी बार हमने देखा है कि वो बहुत ही हैवी बायस लार्ज कैप पे रहता है, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में SIP के द्वारा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के अंदर एक हेल्दी एक्सपोजर होना चाहिए। ये बात सही है कि दोनों के दोनों सेगमेंट जो है वो थोड़े एग्रेसिव है, लेकिन क्योंकि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो तो जो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे काफी कम हो जाता है। दूसरी बात, इनका जो रियल पोटेंशियल है इन द लॉन्ग रन, हमने देखा कि इनके जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप से कहीं बेहतर रहते हैं, तो उसका भी आपको फायदा होता है। तो इंश्योर कीजिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, लेकिन एक हेल्दी एक्सपोजर मिड और स्मॉल में डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऑलराइट, अमोल जी कविता, जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, पिछले काफी हफ्तों से, दो हफ्ते पहले प्रोग्राम में भी हमने लगभग इसी प्रकार की बात की थी, तो ज्यादातर क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को मैंने ये पूछते हुए सुना है कि हम लमसम में इन्वेस्ट करें, हमारे पास अभी लमसम अमाउंट है, या तो हम वही लमसम को एक 6 महीना 12 महीना में ब्रेक करके SIP या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इन दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम इसको मार्केट में पार्टिसिपेट करें। तो मेरा कहना यह है, आप लमसम और SIP के बारे में चूज ना करें। आपका अगर कैश फ्लो, अगर आपके पास मंथली आमदनी में से अगर कोई हिस्सा अमाउंट का बचता है तो आप उसको SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई लमसम राशि है तो आप उसको मार्केट के लेवल्स के ऊपर ज्यादा गौर ना करते हुए आप लमसम भी उसमें निवेश कर सकते हैं अगर आपकी, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने इक्विटी नहीं कहा है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की अवधि अगर 1 साल 2 साल की है तो आप फिक्स्ड इनकम में जाइए, 3 to 5 years है तो आप इक्विटी हाइब्रिड फंड का भी चयन कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म है, मार्केट का कोई भी एक अपर कैप नहीं होता या 65,000 या 75,000 सेंसेक्स जाके वहां पे रुक जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, आप अपना लमसम और SIP में चूज ना करें, अपने कैश फ्लो के अनुसार निवेश करें। ऑलराइट, चलिए, तो ये है निवेश के गुरु मंत्र हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के जरिए, और ये गुरु मंत्र आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में याद रखने हैं और इन पर अमल भी करना है। क्या अजय जैन हमारे दर्शक अजमेर राजस्थान से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? हाँ मैडम। अजय नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। डिटेल्स मेरे पास है, इसमें कुछ आपको ऐड करना है, आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप है, एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया का मिड कैप है, कैनरा बैंको का ब्लू चिप है आपके पास, ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, और सभी आप कह रहे हैं कि आपके पास डायरेक्ट प्लान्स हैं। 60 लाख रुपए चाहिए आपको 2030 तक, और उसके लिए आपकी जो राशि है वो पर्याप्त है या नहीं है, इसके अलावा आप 2,000 रुपए और बढ़ाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, है ना? ऑलराइट हेमंत जी, मेरे ख्याल जी मैडम, मेरा ये भी है कि ये जो मेरा बैलेंस एडवांटेज फंड चल रहा है इसमें रिटर्न मेरे को कम आ रहा है, तो इसको बंद करना चाहता हूं, सही रहेगा ये मेरा डिसीजन या गलत रहेगा? कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैडम 1 साल हो गया मेरे को ये सारा इन्वेस्ट करते करते। ओके, इस पर सवाल जी। ऑलराइट हेमंत जी, फिलहाल जो फंड मिक्स है और जो इनकी रिक्वायरमेंट है 2030 तक, क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट सही है? और जहाँ तक BAF की ये कैटेगरी है, मेरे ख्याल से फिलहाल थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर चल रहा है, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले ही मेरे ख्याल से निवेश किया है, तो निकलने का निर्णय अभी तुरंत लेना, थोड़ा सा और समय क्या दिया जा सकता है इस फंड को? देखिए कविता, अगर हम देखें कि इनको अपने टारगेट पूरा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पर्याप्त है कि नहीं, तो 24,000 की SIP है, इनका टाइम होराइजन है करीब 7 साल, 2030 में इनको पैसे चाहिए, और 2,000 रुपीज ये एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से 26,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, तो 42 लाख के करीब इनका कॉर्पस बनेगा, और इनको अगर अपना टारगेट अचीव करना है जो 60 लाख का इनका टारगेट है,
तो 13,000 रुपीज से इनको अपनी 13,000 से SIP को बढ़ानी होगी। तो ये तो हो गया जहां तक इनके टारगेट की बात है। आई थिंक मैं टोटली एग्री करता हूँ उनके साथ। देखिए क्या है, ये बात सही है कि एक ही साल हुआ है, लेकिन हमको देखना है कि वो वाकई में जो मेरा टाइम होराइजन है, जो मैं रिस्क ले रहा हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्या वो सुटेबल है मेरे टाइम होराइजन के हिसाब से। 7 साल का समय इनके पास अभी बाकी है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे टाइम होराइजन के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही फंड नहीं रहेगा। मुझे लगता है ICICI प्रू में एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, अगर वो ये उस बैलेंस एडवांटेज की जगह वहां पे अगर SIP करें तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि ओवरऑल जाके लॉन्ग टर्म में इनकी पोर्टफोलियो की जो रिटर्न है वो बेटर हो जाएगी। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो इनको करना है 2000 जैसा उन्होंने कहा, तो इनका जो एग्जिस्टिंग फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसके अंदर वो एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी वो डिसाइड करें वो 13,000 इन्वेस्ट करने की, तो एग्जिस्टिंग फंड बाकी जो है काफी अच्छे हैं, उन्हीं के अंदर आप एलोकेट कीजिए और फंड आपको इसके बाद ऐड करने की जरूरत नहीं है। और राइट अजय जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। कोई जवाब अगर आप समझ नहीं पाए हो तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप यूट्यूब पर सलाह सुन सकते हैं। और हेमंत जी आपका, अमोल आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, अपने सवाल वहाँ पर हम तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।